हेलो बच्चों, आज की प्रॉब्लम हमारी डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर चैप्टर से है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट। रिवेन्यू का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स के रिवेन्यू अगर एक्स की फॉर्म में है तो डी आर बाई डी एक्स विल बी द मार्जिनल रिवेन्यू एट एनी इंस्टेंट। तो आज की प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। प्रॉब्लम है द टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5 एंड वी आर टू फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 5। तो एट इंस्टेंट व्हेन एक्स इक्वल टू 5 वी आर टू फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। तो आर एक्स हमारा हुआ, आर एक्स इज 3x² प्लस 6x, 36x प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करें, इसका रेट ऑफ चेंज लेने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी एक्स इट विल बी 6x प्लस 36। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x होगा, एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो 2x इंटू 3 विल बिकम 6x और x का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है, तो ये हुआ 6x प्लस 36, लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए एट एक्स इक्वल टू 5। तो एट एक्स इक्वल टू 5 जो मार्जिनल रिवेन्यू होगा दैट विल बी 6 इंटू 5 प्लस 36। 6 इंटू 5 इज 30 प्लस 36 एंड दिस विल बिकम 66। ये है मार्जिनल रिवेन्यू।